आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज नगर पालिका के दूसरे चरण का मतदान सुबह से ही चल रहा है, हालांकि सुबह 9 बजे तक 12.5% वोटिंग हुई है। ऐसे में कई फर्जी मतदाताओं के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, हिरासत में भी लिए गए हैं। हमारे साथ मौजूद है सीओ सिटी धनंजय मिश्रा, इनसे जानते हैं कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है और क्या कहेंगे। कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं, सुबह से मतदान चल रहे हैं। 2 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। कुछ लोग नाबालिग हैं, तो उन्होंने फर्जी अपना आईडी लेके वहाँ मतदान करने का प्रयास किया था। कुछ एक आध लोग और बंद कराए थे। इस तरह के विभिन्न प्रकार के लोग जो गलत पाए गए मतदान करने के प्रयास में, उनको डिटेन किया गया। सर, वो किस तरह से चेक किया जा रहा है, क्या उसके लिए बायोमेट्रिक भी है हमारे पास, जहाँ संदेह होता है तो उनको बायोमेट्रिक तरीके से भी चेक करते हैं। बाकी आधार कार्ड है तो वेरीफाई करके उसको चेक कर लेते हैं, बायोमेट्रिक से चेक कर लेते हैं, नाम पता पंच से चेक कर लेते हैं। आप तरीके से उन्हें सर महिलाएं भी शामिल है? बिल्कुल, महिलाएं भी उसमें आधे से अधिक महिलाएं हैं, ज़्यादा महिलाएं हैं शामिल जी, अधिकांश महिलाएं हैं उसमें। वो जो कुछ लोग उसमें गलत लोगों के नाम पे वोट देने आई थी, इनका आधार कार्ड ही नहीं था, दूसरे कर लेके आई थी इस तरह से। सर सिर्फ दक्षिण और खाली बात है, वहाँ लोग 40 के करीब लोग जो कुछ लोग नाबालिग बच्चे भी हैं जो पहुंच गए थे, किसी ने पहला उनको भेज दिया होगा तो उनको रोका गया है, वो गलत मतदान करने का प्रयास कर रहे थे। बाकी कोतवाली थाना क्षेत्र और लखनसी थाना क्षेत्र में तो 2 दर्जन से अधिक जो फर्जी वोट डालने आए थे उनको हिरासत में लिया गया है और कार्रवाइयां की जा रही हैं। ऐसे में हमारे साथ सीनियर मजिस्ट्रेट भी हैं, इनसे जानते हैं। सर, सुबह से मतदान चल रहे हैं और किस तरह मतदान चल रहा है, कितने कम से कम? देखिए, आप देख रहे होंगे कि जब से सुबह से हम पूरी टीम पुलिस के प्रशासन की शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है और जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, मेरे द्वारा, सर के द्वारा और सीओसी के द्वारा एवं पूरी टीम के द्वारा लगातार इसका पर्यवेक्षण किया जा रहा है। इस दौरान कई ऐसे भी लोग मिले जो कि पात्र नहीं थे परंतु वोट डालने का प्रयास कर रहे थे, उनके खिलाफ भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। हमारा संदेश स्पष्ट है कि सभी लोग निर्भीक होकर अपना मतदान करें, परंतु यदि भी कोई मतदाता मतदान को गलत रूप से नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की चेष्टा भी करेगा तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अधिकतर महिलाएं हैं और कुछ नाबालिग भी हमें बच्चे मिले जो कि मतदान करने के प्रयास करते हुए पाए गए, परंतु हमारी जो टीम है वो इतनी सतर्क थी कि इसके उनके द्वारा कोई गलत मतदान नहीं किया जा सका। पहले ही उनको जांच करके पुलिस के हवाले किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी।